हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप रोज़ जो बुके है उसके अंदर आपने अपने लवर को रिंग रख के दिया था, लेकिन आप जो मेल है वो सोच रहा है कि ये रोज़ बुके में मैंने उसको रिंग तो दिया था, रिंग के बारे में सोचते हुए एंड इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों, किस लिए, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इतनी से स्टोरी लाइन को ही जानते हो, लेकिन इसके पीछे वाला स्टोरी लाइन आप नहीं जानते हो। एंड जो फीमेल है उनका एक अलग ही थॉट प्रोसेस था जब ये रिलेशनशिप में वो थी, एंड जो मेल है वो सोच रहा है कि यार मैंने बुके के अंदर रिंग हाइड करके उसको दिया था एंड उस तक वो पहुंचा एंड वो मुझसे बात नहीं की, क्यों ये लव रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा। एंड ये लड़का अभी लत के तरफ इंडल्ज कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप दोनों के लव रिलेशनशिप के बीच में जब ये बुके ये लड़की के पास गया एंड आप ये रिंग हाइड करके बुके जिसको दिए, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है एंड आपको वो स्टोरी लाइन नहीं पता है। एंड जो ये मेल और फीमेल दो जो दोनों ही इस स्टोरी लाइन से जुड़े हुए हैं, इससे पहले एक रिलेशनशिप में रह चुके दोनों, दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, फिर ये दोनों एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद में ये लव स्टोरी भी ब्रेकअप हो गया है एंड दिस गाय इज़ लाइक ओह नो, मैं इससे तो इतना प्यार करता था, ये लड़का इनफैक्ट इस लड़की से इतना प्यार कर चुका है अभी, मतलब ये इतना प्यार करता, जैसे हमने न्यूज़ में अगर आपने देखा भी है तो देर इज़ लाइक ए कपल जिसको ऊँच कहीं गए थे, उन लोगों को पानी ही नहीं मिला था मिलने के लिए, तो उसने कुआं खोद दिया था एंड बहुत सारे लोग सोच बात करने लगे थे यार हस्बैंड हो तो ऐसा जहाँ पानी नहीं मिला तो उसने कुआं खोद दिया उसके लिए। एंड और भी लव स्टोरीज जो इंडिया में न्यूज़ में सुनने को मिली थी, जो कि इसकी वाइफ इसके साथ नहीं रहना चाहती गाँव में, क्योंकि इस गांव से उस गांव में जाने के लिए बीच में एक पहाड़ आता है एंड कुछ बात हो गया था उन दोनों के बीच में, तो ये हस्बैंड ने एक हथौड़ी से पूरा का पूरा मतलब पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना दिया कि इंसान आ जा सके। सो दैट सम लव स्टोरीज के बारे में यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ये रीडिंग का साइकिक मैसेज, दिस गाय ऑल्सो मतलब इस लड़के ने भी इस लड़की से इसी तरीके से प्यार किया एंड अभी वो उसका दिल टूट गया है क्योंकि ये लड़की अभी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती एंड वो चले गई। एंड यू थिंकिंग अबाउट ये रोज रिंग, इसके बारे में भी आप जो सोच रहे हो, बीच में कोई एक थर्ड पर्सन था जो नहीं चाहा कि आप दोनों का ये लव रिलेशनशिप हो एंड बीच में रिंग कहीं गायब हो गया एंड गर्ल इज़ लाइक रिंग नहीं था लड़की के तरफ से, लेकिन लड़का बोलता यार मैंने तुझे रिंग दिया था। इस ये पूरे दौरान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है एंड लड़का सोचता है कुछ, एंड इतना ही नहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं जो कि हिडन, बहुत सारी चीज़ें हिडन है, आप एक सोचते हैं वो एक सोचती है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इतना गैप है एंड दिस गर्ल थिंक्स दैट अभी ये दोनों रिलेशनशिप में, अब लड़का ऐसा इस लड़की को देख रहा है कि ओ मेरे कनेक्शंस के वजह से अभी आपको रास्ता मिल चुका है एंड आप कमा पाएंगी, आप खा पाएंगी, कमा पाएंगी एंड आप रह पाएंगी, इसलिए अभी आप मुझसे रिश्ता तोड़ रही है। एंड गर्ल साइड की तरफ से ऐसा है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं एंड आज के बाद मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी एंड मैं अकेली ही सही, बहुत बेहतर। सो गर्ल इज़ थिंकिंग लाइक दैट एंड जो मैन है इस रिलेशनशिप में इज़ लाइक पूरी तरह से लत में इंडल्ज हो रहा है। तो मैं ये दोनों कपल के लिए एक एडवाइस ये आया है कि आप दोनों किसी वाटर सोर्स बॉडी के पास जाइए जहाँ पे वाटर पार्क हो सकता है या आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बाजू में वाटर बॉडी है जैसे कि ओशन या लेक या छोटा पाउंड कहीं है, आप वहाँ जाइए और बातचीत कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैनल मैसेज में मुझे यही आया है कि आप किसी वाटर बॉडी के पास जाके बैठ के कम्युनिकेट कीजिए। जब आप किसी वाटर बॉडी के पास जाके बैठ के कम्युनिकेट करेंगे आप दोनों का कम्युनिकेशन क्लियर होगा एंड एक दूसरे से आप बात जब करोगे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में से ख़त्म हो जाएगी। सो दैट इज़ समथिंग। ओके, टैरो से अभी ये जो चैनल मैसेज है, बॉटम ऑफ द डेक, वाउ डेविल, गॉड,
एंड किंग ऑफ सोर्ड. कम्युनिकेशन इट्स लाइक यहाँ पे ये कैरेक्टर है जानबूझ के रिलेशनशिप में गलती किया एंड किंग ऑफ सोर्ड इज लाइक दोनों की जबान बहुत चल रही है लाइक तुमने गलत किया तुमने गलत किया तुम गलत हो ऐसे कुछ हो रहा है. ओके लेट्स सी एडवाइस हम आपका ले लेते हैं बिकॉज चैनल मैसेज इज चैनल मैसेज. आई डोंट इग्नोर दिस चैनल मैसेजेस. सो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है जिस कम्युनिकेट की कर लीजिए. ओके दोनों आप भी डिफेंसिव हैं एंड गर्ल इज लाइक नो भाई नहीं एंड सी वाटर बॉडी. यहाँ वाटर बॉडी आया है. देखो आप लोग अभी भी एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं एंड लड़की के दिमाग में अब तो ये है कि नहीं भाई नहीं हो सकता अब सब एक जैसे ही होते हैं एंड मैन इज रिलेशनशिप में इज जस्ट लाइक डिफेंडिंग. येट अगेन पूरा रीडिंग ही ऐसा आया है आपके लिए. सीरियसली वाटर बॉडी के पास जाके बातचीत करने में आप दोनों को ये समझ में आएगा कि क्या चीज़ों की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए एंड हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. ये बात आपको समझ में आएगा. जस्ट जो भी चीज़ें बर्डन कर रहे हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए. इवन दिस कार्ड्स आल्सो सेम वही चीज़ बताएं जो मेरे को चैनल मैसेज आया. आप प्लीज़ वाटर बॉडी के पास जाइए बैठिए पौंड के पास जाके बैठिए या फिर लेक या ओशन या कोई वाटर पार्क है वहाँ जाके बैठ के आप दोनों बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है जानबूझ के जिसने रिश्ता तोड़ा एंड जो भी टेंशन है वो निकल जाएगा. आप दोनों के लाइफ में प्यार आएगा एंड वाटर बॉडी ही आपको हेल्प कर सकता है. एंड व्हाट एल्स आई हैव टू से सो दैट वाज अ चैनल मैसेज माय फ्रेंड्स एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि थैंक यू गॉड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस गॉर्जियस पावर जो मैं सबको हेल्प कर सकती हूँ. सो दैट वाज अ मैसेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज अपना रिलेशनशिप बचा लीजिए. दैट्स व्हाट आई से. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड व्यू. एंड एक और बात ये जो वीडियोज़ हैं जो चैनल मैसेज वीडियोज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रेजोनेट होगा. हर एक के साथ नहीं रेजोनेट होगा. जो भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है आप वो ले लीजिए. जो नहीं हुआ है उसको जाने दीजिए. दैट्स वॉट आई से. बट ये एक किसी का लाइफ को लेते हुए चैनल मैसेज था जो कि मैंने कह दिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक शेयर सब्सक्राइब व्यू डोनेशंस. थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी हमारे चैनल मेंबरशिप आप लीजिए जहाँ पे हम और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं. वो वीडियोस देख के आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगा. जो भी टीयर है चैनल ज्वाइन मेंबर्स का प्लीज़ जाइए पढ़ लीजिए ना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या वीडियोस आपको ऑफर करती हूँ वहाँ पे. थैंक यू वेरी मच. एंड हमारे चैनल को आप डोनेट करना चाहते हैं तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं इसके बाद में तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. एंड एक और बात बहुत लोग बोलते हैं मैडम आप अपना नाम नहीं बताती. मेरा नाम है पूजा कटारिया. ओके सो पूजा कटारिया अभी इस वीडियो से नमस्ते कहते हुए जाती हूँ. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. राम जी आपका भला करें हम सबका भला करें. एंड मेरे साथ आप सब लोग कहिए जो मेरा भला नहीं चाहता जो ना मेरा चैनल का भला चाहता है ना मेरे व्यूवर्स का भला चाहता है हम उनके सारे एनर्जीज वापस उनके पास भेजते हैं. मेरे साथ बोलिए राम जी मेरा भला करें. श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रामे मनोरमे सहस्नाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम. श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रामे मनोरमे सहस्नाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम. श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रामे मनोरमे सहस्नाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम. राम जी मेरा भला करें. मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में. जय श्री राम.